वेलकम एवरीवन, आई डॉक्टर अंजलि सक्सेना वेलकम यू ऑल। डियर लर्नर्स, आज हम समझने जा रहे हैं जिप्सम। जिप्सम जिसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, ये एक नेचुरली अकरिंग मिनरल है जो कि पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स से। और जनरली क्या होता है, जो जिप्सम होता है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज अटैच होती हैं, जैसे कि क्ले, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट्स, आयरन ऑक्साइड्स। सो इट इज नेचुरली अकरिंग मिनरल। जैसा कि हमने जाना, ये एक नेचुरली अकरिंग मिनरल है, लेकिन जो सिंथेटिक जिप्सम होता है उसको रिकवर किया जा सकता है कुछ कोल फायर्ड पावर प्लांट्स के फ्ल्यू गैस के डीसल्फराइजेशन से। हम सिंथेटिक जिप्सम को रिकवर कर सकते हैं। तो ये तो था जिप्सम का क्या फॉर्मूला है और सिंथेटिक जिप्सम कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जिप्सम। जो जिप्सम होता है इट इज कलरलेस, ट्रांसपेरेंट और वी कैन से ट्रांसल्यूसेंट क्रिस्टलाइन मिनरल होता है। ये व्हाइट भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, रेड, ब्राउन, येलो भी होता है ये कलर में। ये जिप्सम होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है, इवन ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसको फिंगर नेल से भी स्क्रैच किया जा सकता है। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है लो थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है और कह सकते हैं एक नेचुरल इंसुलेटर की तरह ये वर्क करता है। तो आइए नोट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जिप्सम। लो थर्मल कंडक्टिविटी। आइए समझते हैं इसके यूजर्स। डियर स्टूडेंट, अगर जिप्सम के यूज की बात करें तो अभी हमने अपना पोर्टलैंड सीमेंट खत्म किया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। जिप्सम इज ऑल्सो कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, जो हाइड्रेशन के कारण फ्लैश सेट या इनिशियल सेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जब हमारा पोर्टलैंड सीमेंट किसी वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो जो इसका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है वो वाटर के साथ इजिली रिएक्ट करता है और तुरंत सेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसी को हम बोलते हैं इनिशियल सेट या फ्लैश सेट। जिप्सम हमारा सेटिंग के रेट को कम करता है, इसीलिए ये रेटिंग का रेट रिटार्ड करने के कारण पोर्टलैंड सीमेंट में ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट यूज होता है। जब जिप्सम को ऐड किया जाता है तो ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ मिलकर ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बनाता है, जिसकी वजह से सेटिंग का रेट कम हो जाता है, क्योंकि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है उसका हाइड्रेशन का जो रेट है वो कम हो गया। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका वीडियो भी देखा है, इन रिएक्शंस को हमने पढ़ा भी है। तो सबसे पहला और इसका फोरमोस्ट यूज लिख लेते हैं, वर्क एज रिटार्डर। इसको हम एक रिएक्शन के थ्रू भी देख सकते हैं, जो हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, यानी कि 3CaO.Al2O3 डॉट, जिसको हम C3A के नाम से जानते हैं। जब ये वाटर की प्रेजेंस में जिप्सम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये है जिप्सम। जब ये रिएक्शन होगी तो बनता है ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। इसको एस सच मिला देंगे, रिएक्शन बहुत इजी होती है ये। इसका नाम है ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। इस कंपाउंड के बन जाने के कारण ही सेटिंग का रेट कम हो जाता है, यानी कि जिप्सम एक रिटार्डर की तरह वर्क करता है। जो जिप्सम मेनली यूज होता है इट इज यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम कह सकते हैं जितना भी जिप्सम होता है उसका मोस्टली पार्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर करने में यूज होता है। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। जब जिप्सम को हीट किया जाता है 120 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए मेनली यूज होता ही है, इसके अलावा जिप्सम के और बहुत सारे यूज हैं। मेन दो यूज यही है, बट देर आर सो मेनी इसके यूजेस हैं जिसको हम देख सकते हैं। इट इज यूज एज फ्लक्सिंग एजेंट, सॉइल कंडीशनर, फिल्टर इन पेपर एंड टेक्सटाइल्स में हम कह सकते हैं इनको यूज करते हैं। ये बिल्डिंग मटेरियल के प्लास्टर में यूज होता है, बोर्ड प्रोडक्ट्स में यूज होता है, टाइल्स, ब्लॉक्स, मैन्युफैक्चर ऑफ सम सीमेंट में इसको यूज किया जाता है, एवं मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स में भी इसको यूज किया जा सकता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ जिप्सम। सो इस तरीके से हमने देखा जिप्सम का क्या फॉर्मूला है, सिंथेटिकली इसको कैसे रिकवर किया जा सकता है और क्या प्रॉपर्टीज हैं जिप्सम की। प्रॉपर्टीज में हमने देखा कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कई कलर में पाया जाता है, लो थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है। कुछ यूजेस देखे जिप्सम के। जिप्सम पर एक शॉर्ट नोट आ जाता है इंजीनियरिंग मटेरियल्स में, तो ये 2 मार्क्स के लिए मेनली इम्पोर्टेंट रहता है। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।